हार्दिक अभिनंदन है। ये साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत ने एक बहुत बड़ा इतिहास कायम किया है। कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध लड़ते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में 100 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाई गई है। ये एक विश्व कीर्तिमान, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि इतने कम समय के अंदर 100 करोड़ लोगों को एक देश के अंदर एक महामारी से लड़ते हुए उनको वैक्सीनेशन प्रोसेस में वैक्सीन लगाई गई। हम सब जानते हैं, जब कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया के अंदर प्रलय मचाई, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान जैसे देश, इटली और फ्रांस जैसे देश धराशायी हो गए। उस वक्त उन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए देशवासियों को समय समय पर गाइडलाइंस बताना, देश का मार्गदर्शन करना, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार अपने देशवासियों को गाइडलाइंस के बारे में समझाया। और इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जो नियम से वो सब समझाए, और साथ ही साथ स्वयं जो इस कोविड के अगेंस्ट इस बीमारी से महामारी से लड़ने के लिए जो वैक्सीन तैयार की जा रही थी, उसके लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने उसको मॉनिटर किया। कई कई रात लेबोरेटरीज के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी इस पीरियड के अंदर वो रहे। उन्होंने लगातार वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस महामारी से जो हमारे जो जिन्होंने कोवैक्सीन और कोविशील्ड जिन कंपनीज ने तैयार की, उनके वैज्ञानिकों से डायरेक्ट इंटरेक्शन की, और ये रिकॉर्ड तोड़ समय में भारत ने इन दोनों वैक्सीन का निर्माण किया। यहां देश भर में इस वैक्सीन को लगाया गया, वहीं दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत ने सहयोग किया। कोविड केयर हॉस्पिटल्स पूरे देश के अंदर बनाए गए, DRDO जैसी संस्थाओं को कोरोना से लड़ने के लिए कोविड केयर हॉस्पिटल्स बनाए गए, विशेष व्यवस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की। जब ऑक्सीजन की बात आई तो किस प्रकार जब 100 करोड़ लोगों को भारत में ये वैक्सीन लग चुकी है, तो पूरी दुनिया आज भारत की जय जयकार कर रही है। पूरी दुनिया में आज भारत का नाम बहुत शान से और सम्मान से लिया जा रहा है। इसका सारा श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर्स हैं, हमारी नर्सिस माताएं बहने हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, और जो प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए जिन सहयोगी साथियों ने इस कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ, इस पैंडेमिक के खिलाफ एक युद्ध लड़ा, मैं उन सबका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आज 100 करोड़ का आंकड़ा जब वैक्सीन का भारत ने टच किया है, मैं कोरोना वॉरियर्स, अपने हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी, मैं इन सबका हृदय से भी धन्यवाद करता हूं। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं उन सामाजिक संस्थाओं का, उन सामाजिक सोशल वर्कर्स का, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपने घर से राशन घर से निकालकर जरूरतमंद लोगों को वितरित किया गया। उन संस्थाओं का, उन लोगों का, उन सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं।
जिन्होंने इस मुश्किल वक्त के अंदर जगह जगह के अंदर लंगर की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, जिन्होंने गाड़ियों की व्यवस्था की, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं उन सभी जनमानस के प्रतिनिधियों का। वो चाहे हमारे चुने हुए XMLA रहे, DDCs हों, BDCs हों, पंच हों, सरपंच हों, सांसद हों, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हों, ट्रेडर्स हों, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हों, हमारे बार एसोसिएशंस के मेंबर हों, एडवोकेट्स हों, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने दिल खोलकर इस बड़े अभियान में जब प्रधानमंत्री केयर की घोषणा की गई पीएम केयर्स फंड की, उसमें बढ़ चढ़कर आर्थिक सहयोग करने वाले सभी सज्जन पुरुषों का और मातृशक्ति का भी मैं आज हृदय से धन्यवाद करता हूं। पूरे देश के सहयोग से भारत ने इस कोरोना वायरस महामारी को हराने में कामयाबी हासिल की है। 130 करोड़ आबादी का भारत अगर कामयाबी से इस कोरोना वायरस महामारी को निपटने में कामयाब रहा, तो इसका सारा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को जाता है और देश के जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको जाता है, जिन्होंने जान हथेली पर रखकर जान की परवाह न करते हुए इस मुश्किल तरीन परिस्थिति से भारत को उभारा है और भारत देश की जनता को इस मुसीबत से बचाया। साथियों, राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे देशवासियों से आह्वान किया है कि अभी कोरोना जो है वो उस पर हमने कंट्रोल किया है, अभी समाप्त नहीं हुआ, इसलिए हम सबको वो सभी पैरामीटर्स, वो सभी पैमाने अपनाने होंगे लगातार। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें अपने पांव में चप्पल जूता पहनना जितना अनिवार्य है, उसी प्रकार अब हमारे जीवन का हिस्सा ये मास्क जो है, ये अब हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा ये मास्क रहना चाहिए। बिना मास्क के अब आप सामाजिक कार्यक्रमों में आप सोचेंगे कि हम लोग जो है वो व्यवस्थित तरीके से अपने नियमावली से कार्य करेंगे, ये एक बहुत मुश्किल कार्य होगा। ये हमारे लिए एक चुनौती थी। इस चुनौती का पूरे देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक सामना किया है और इस चुनौती को हमने पार किया है, लेकिन भविष्य के अंदर भी ये मास्क, ये सैनिटाइजर, ये सफाई, ये स्वच्छता, ये सब बनी रहे, ऐसा आह्वान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने हमसे किया है। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, जिन्होंने 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को इस मुसीबत से बचाया है और आज पूरी दुनिया भारत से ये वैक्सीन ले रही है। आज कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, आज यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका जैसे लोग भारत से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे देशों के अंदर आके वैक्सीन बनाइए। ये सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मेहनत और हमारे देश के वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम है। हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन में हमसे आह्वान किया है, उन सभी विषयों का हम पालन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी एक सवाल है, मोहन भागवत जी आए थे उसके बाद उथल-पुथल देखने को मिली, बड़े नेता भाजपा का दामन थामने लगे थे। अमित शाह 24 तारीख को आने वाले हैं, क्या कुछ बड़ा होने वाला है उनके दौरे के बाद? और दूसरी बात, जब भी कोई पॉलिटिकल कंपेयरिंग्स होती है, जब उनके प्रदर्शन होते हैं, जब रैलीज होती है, वहां पर कोविड प्रोटोकॉल कैसे पालन किया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने, मैंने पहले कहा, जिस प्रकार पूरे देश को हमेशा मार्गदर्शन किया है और पूरी देश ने प्रधानमंत्री जी की हर बात को माना है, उसी का परिणाम है कि हमने आज कोरोना वायरस महामारी पर विजय पाई है और आगे भी इस चुनौती का सब मिलकर जो जो जरूरी प्रोटोकॉल्स, नियमावली है, उसका हम सबने पालन करना है।
रही बात भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर जो विस्तार हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी में अन्य अन्य दलों के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही ताकतवर राजनीतिक दल के रूप में उभर कर सामने आया है। आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी उभर के बीजेपी सामने आई है। जिस प्रकार पंचायतों के चुनाव हो, बीडीसी के चुनाव हो, डीडीसी जो जिला परिषद के चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के अंदर जो म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल काउंसिल और कॉरपोरेशन के चुनाव हो, वहां भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई थी। जम्मू संभाग जो जम्मू रीजन के 10 जिले हैं, ये तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और प्रजा परिषद का एक मजबूत गढ़ रहे हैं। अब कश्मीर घाटी में भी कमल का फूल खिला, चाहे वो पंचायतों के इलेक्शन हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, आज भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर घाटी के अंदर भी जबरदस्त बोलबाला है। इसलिए आज अन्य अन्य पार्टियों के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हमको देश की सेवा करनी है, ईमानदारी से अपनी जनता की सेवा करनी है, जनता का भला करना है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मिशन को साथ लेके कार्य करना है, तो एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। एक जन सैलाब आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है और ये इस बात के संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और जम्मू कश्मीर में प्रचंड बहुमत के साथ विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। राणा साहब, राणा साहब जम्मू में है और उन्होंने सीधा निशाना साधा तो ये कहा है कि नेशनल कांग्रेस ही है एक अनुलोपी पार्टी जो जो जम्मू कश्मीर की दूसरी नैया को पार लगाएगी, तो उनका सारा नेशनल कांग्रेस इसे कैसे देखते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, ये सब डूबे हुए जहाज है। कांग्रेस तो वो जहाज है जो बुरी तरीके से खुर्द बुर्द हो चुका है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े दिग्गज नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी धराशायी हो चुकी है। पीडीपी का तो पहले ही सफाया हो चुका है। इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता ने पिछले 70 सालों में कांग्रेस का राज भी देखा है, यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का राज भी देखा है और यहां पीडीपी की हुकूमत भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखी है। इसलिए अब जब जनता ने इन सबको रिजेक्ट किया है तो श्रीमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत अधिक परेशान नजर आ रहे हैं और इसी का सबब है कि कभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को सर्जिकल स्ट्राइक याद आती है, कभी एयर स्ट्राइक याद आती है, कभी उनको बालाकोट नजर आता है, तो कभी दिन रात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मोदी साहब की याद आती है। ये हकीकत है कि अब जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में मोदी साहब बसते हैं और भारतीय जनता पार्टी बसती है। जब जनता ने ही इनको रिजेक्ट कर दिया है, जब इनके नेता ही इनको छोड़ रहे हैं, तो उसमें हमारा कसूर नहीं है, कसूर इन्हीं का है, इनकी नीतियों का है, इनके कार्यों का। पाकिस्तान के बीच में बातचीत होनी चाहिए, तभी दोनों देशों की बंदूक और बातचीत कभी एक साथ नहीं चल सकते, गोली और बोली कभी एक साथ नहीं चल सकते। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो केंद्र के अंदर मंत्री रहे कई वर्षों तक, जम्मू कश्मीर के कई वर्षों तक वो मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार के सदस्यों ने कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री रहे, एक बार खुल के वो जरा पाकिस्तान की और आतंकवादियों की तो निंदा करें। जिस पाकिस्तान ने, जिन आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है, जिस पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों की हत्याएं की हैं, जिस पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की हर कोशिश की है, उस पाकिस्तान के साथ कैसे बातचीत हो सकती है?
भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध रखे, हमने हमेशा बातचीत के माध्यम से अपने पड़ोसी देशों या दुनिया के देशों हमने मधुर संबंध रखे हैं, लेकिन एक पाकिस्तान ही है जिसको बातचीत की बोली की भाषा समझ नहीं आती। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ही थे जो बस में बैठ के लाहौर गए थे, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ही थे जिन्होंने आगरा शिखर वार्ता का शुभारंभ किया था, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब उन्होंने भी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, जिनमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, सबको बुलाया था। तो भारत की तरफ से हमेशा यह प्रयास रहा है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारे मधुर संबंध हो, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जो भारत देश की एकता और अखंडता को चुनौती देगा उसके खिलाफ एयर स्ट्राइक भी होंगी, उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स भी होंगी, उनका सफाया होगा, उनके साथ बातचीत नहीं हो सकती है। इसी तरह जाना चाहिए भाजपा सरकार किस तरह से आतंकवाद का खात्मा करेगी, कब सफाया करेगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को खुली छूट दी है। सेना को ये आदेश दिए गए हैं कि देखते ही आतंकवादियों का सफाया कर दिया जाए, और सेना पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान एक इंटीग्रेटेड अभियान के तहत ऑपरेशन ऑल आउट जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, हमारे जवानों ने आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है। पिछले 15 दिनों के अंदर 20 से ऊपर पाकिस्तानी आतंकवादियों को सेना ने मौत के घाट उतारा है। आज आतंकवादी संगठनों के जो बड़े बड़े सरगना हैं, उन सबको मौत के घाट उतार दिया गया है, जिससे आतंकवादियों में बौखलाहट है, आतंकवादियों को परेशानी है, और बौखलाहट के अंदर आके इस प्रकार की वो साजिशें कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने आज जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के कामों में बड़ी तेजी लाई है, आज चाहे एम्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, आज कॉलेजेस हो, हाई सेकेंडरीज हो, सड़कें हो, स्कूल हो, बिजली हो, पानी हो, टनल्स हो, हाईवेज हो, फ्लाईओवर्स हो, सब चारों दिशाओं में जम्मू कश्मीर के अंदर विकास के कार्यों की एक बयार है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अरबों खरबों रुपए के बड़े बड़े प्रोजेक्टों को मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में लागू किया है। आज मोदी साहब के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो, दलित समाज के हमारे भाई बहन हो, गुज्जर बकरवाल जो समुदाय जो 100% मुसलमान लोग हैं, और जो गद्दी सिप्पी जो एसटी के लोग हैं, उनको अधिकार मोदी साहब ने दिए हैं। आज जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, जो पहाड़ी एथनिक कम्युनिटी, पहाड़ी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी, पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा में है, आज 70 सालों में अगर उनकी किसी ने सुनी है तो वो मोदी सरकार है। आज जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को यहाँ सशक्त किया गया है, आज यहाँ सरपंचों को, पंचों को अधिकार दिए हैं, आज बीडीसी और डीडीसी को अधिकार दिए हैं, यहाँ चुनाव हुए, ये सब मोदी साहब की देन है। और इन सभी कार्यों से जब जम्मू कश्मीर में खुशहाली हुई, जब जम्मू कश्मीर में अमन चैन हुआ, जब मोदी साहब के प्रयास से जम्मू कश्मीर के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर प्यार मोहब्बत मान सम्मान के साथ इकट्ठे होके यहाँ रहने लगे, तो ये तकलीफ है पाकिस्तान को
और ये तकलीफ होती है आतंकवादियों को, जिसके चलते वो एक साजिश के तहत टारगेटेड किलिंग करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी इस प्रकार का षड्यंत्र करेगा, षड्यंत्र में शामिल होगा या षड्यंत्रकारियों का मददगार होगा, वो बच नहीं पाएगा। कानून उसको कभी माफ नहीं करेगा। हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान देश दुश्मनों को सफाया करेंगे। अमित शाह जी का दौरा है, अमित शाह जी का, अमित शाह जी का दौरा है। ऐसा मान लिया जाए कि अमित शाह जी जो जम्मू दौरे पर आ रहे हैं वो ये आंकलन करना चाहता है कि कितना प्रभुत्व बीजेपी का है, ताकि दूसरा सवाल गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब जी जम्मू कश्मीर के सरकारी प्रवास पर आ रहे हैं। इस दौरे में यहाँ श्रीमान अमित शाह साहब सुरक्षा व्यवस्था को रिव्यू करेंगे। वहीं जो डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो जिनकी मंजूरी मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए की है, बहुत सारे कार्यों का वो शिलान्यास करेंगे और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं उनका लोकार्पण करेंगे। और इसी प्रकार श्रीमान अमित शाह साहब जम्मू में 24 अक्टूबर के दिन रविवार को जम्मू आएंगे। जम्मू आने पर यहां श्रीमान अमित शाह साहब का भव्य स्वागत होगा। हम सब जानते हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बहुत बड़े ऐतिहासिक निर्णय जो माजी में लिए हैं, उन निर्णयों में बहुत बड़ी अहम भूमिका श्रीमान अमित शाह साहब की रही है। जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा अमित शाह साहब से प्यार करता है, रैली होगी, मान सम्मान करता है। 24 अक्टूबर के दिन जम्मू में जेडीए ग्राउंड जो भगवती नगर में है, वहां एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहां जो जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, चाहे वो गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हों जिनको मोदी सरकार ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी और फॉरेस्ट एक्ट जो उनके लिए फॉरेस्ट राइट्स, जो लैंड राइट्स गुजर बकरवालों को मिले हैं, उसके अलावा जो पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित हों, गोरखा समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, दलित समाज हो, महिला वर्ग हो, चुने हुए जो पीआरआईज हैं, सरपंचीज, पंचीज, बीडीसी, डीडीसी, ये तमाम जो समाज के लाभार्थी हैं, वो जो भी24 अक्टूबर रविवार को जो ICC T20 वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है, भारतीय क्रिकेट टीम विराट कोहली साहब की सेना पाकिस्तानियों को धराशायी करेगी और उस खुशी में आप जश्न मनाएंगे और सब मिठाई बांटेंगे।